हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सभी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। सभी मतलब सभी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पर यूट्यूब अभी ओपन हो रहा है। उसके बाद फेसबुक ओपन हो रहा है। तो सभी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है गाइस। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए गाइस। उसके उसके बाद सर्च में लिखिएगा इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जाएगा कनेक्शन में, फिर लैन सेटिंग, और उसके बाद ये जो टिक है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग, इसको अनचेक कर कर यहाँ पे चेक कीजिएगा। यूज प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। और यहाँ पे एड्रेस डालिएगा, होम एड्रेस आपका 127.0.0.1। और उसके बाद ओके कीजिएगा गाइस। प्रॉपर्टी लाइन सेटिंग में जाएंगे, एडवांस में जाएगा जाइएगा और यहाँ पर ओके कीजिएगा गाइस। और उसके बाद ऑफिस से ओके कीजिएगा, और उसके बाद ऑफिस से ओके। फिर से एक बार चेक कीजिएगा गाइस कि सब सेटिंग बराबर है या नहीं। कनेक्शन में जाइएगा, लाइन सेटिंग में जाइएगा, और ठीक है यहाँ पे सब सेटिंग बराबर है। इसके बाद आप सबको क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पर फिर आप यूट्यूब को ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगी गाइस, इस तरह से एरर दिखाएगा। देखिए इंटरनेट भी आप कनेक्टेड है फिर भी ओपन नहीं हो रही। तो इस तरह से आप गाइस हर मतलब सभी साइट ब्लॉक कर सकते हो। मतलब आपको कुछ पीसी सेटअप करना है नया, किसी आपके स्मॉल बिजनेस के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। कौन सी भी साइट नहीं खुलेगी गाइस। उसके लिए आपको वहाँ से प्रॉक्सी हटाना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे हटाते हैं, वापस से कैसे साइट अनब्लॉक करते हैं, ये भी देखते हैं गाइस। वापस से वही प्रोसेस फॉलो करनी है। कंट्रोल पैनल में जाकर यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन लिखकर, इंटरनेट ऑप्शन में जाकर, उसके बाद कनेक्शन में जाकर, लैन सेटिंग, और उसके बाद यहाँ जो है उसे अनचेक कर कर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग पर ओके कीजिए गाइज। उसके बाद ओके, और फिर यहाँ पर आपका यूट्यूब खुलेगा गाइज और बाकी सभी साइट खुल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।